बरेली के बहेड़ी के क्षेत्रीय विधायक छत्रपाल गंगवार ने प्रेस वार्ता कर अपने सरकार की उपलब्धियों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिन बाद बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पूरी पार्टी तैयारी में जुटी है। बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से सम्मानित किया जाना है। विधायक ने अपनी सरकार में होने वाले विकास कार्यों की गिनती कराने के साथ साथ पिछली सरकार पर भी जमकर बरसे, साथ ही बातों बातों में अपनी ही सरकार की मंत्री मेनका गांधी बिना नाम लिए को भी आड़े हाथों लेते हुए विकास कार्यों में विफल बताया। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मुहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। और उसके बाद बूथ समिति का सम्मेलन है, हमारे यहाँ पर 406 बूथ है, हमने प्रयास किया है लगभग सभी बूथों पर बूथ की कमेटी का 21 लोगों की कमेटी है, उसका अभिनंदन कार्यक्रम हमारे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता तक उसमें हिस्सेदारी करेगा। हमारे चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी बूथ पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं का जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है उनका एक पार्टी का पटका है कुछ और ऐसा उसके सम्मान में कार्यक्रम करेंगे, ऐसे वहाँ मीटिंग करके और वहाँ पर सभी गांव के लोगों के सामने उसका परिचय करवाना, पार्टी कार्यकर्ताओं का, बूथ के कार्यकर्ताओं का परिचय करवाना, समाज के संभ्रांत वर्ग के साथ बैठकर उनकी बात रखना, उसका सम्मान गौरव बढ़ाना। और ये कार्य 10 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा, 5 दिन चलेगा। 5 दिन में हमारे कार्यकर्ता सब जगह जा जाकर उनको पटका, फूल मालाएं, इस प्रकार का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि बूथ का ही कार्यकर्ता संघर्ष करता है पोलिंग पर, उसका मान सम्मान बढ़े, उसका गौरव बढ़े, उसकी पहचान बने और जो भी गांव के विकास से संबंधित काम है उसके माध्यम से हो, ऐसा हमारा प्रयास है, पार्टी का प्रयास। और ये कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में और सारे देश में होगा। ऐसे ही 17 नवंबर को आई और दौरे से वापस गई तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके उन पर कमेंट किया, अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने क्या विकास कराया, क्या कराया उन्होंने, कुछ कराया नहीं। तो मैं उन्होंने तो शायद उनको जानकारी हुई या नहीं हुई, मैं दे रहा हूँ उनकी जगह जवाब। ये सारे विकास से संबंधित काम ये हो रहे नहीं हो रहे, ये बंजरिया रोड है 18 करोड़ रुपए से, शायद 19 करोड़ रुपए इस पर, इसमें काम प्रगति पर है। 26 करोड़ रुपए से ये मंडनपुर फाटक से लेकर और उत्तम नगर गुरुद्वारे तक ये चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण इन दोनों सड़कों का काम हो रहा है। कताई मिल वाला रोड, कताई मिल का रोड तो चलो छोड़िए, कल मैं उधर गया भी था, लोग कह रहे बड़ा गहरे गहरे गड्ढे हो गए, क्या हो गया ऐसा, तो मुझे कहीं एक आध जगह टूट फूट जरूर हुई है, पर बाकी लगभग काम चलाऊ रोड है, वो भी कोई उसकी मरम्मत कार्य ही हुआ था, उसमें कोई और नया नहीं बना था, अगले करवाएंगे उसे, वो सब ऊपर सेंक्शन के लिए गया हुआ है। तो ये सब काम मैं अभी मुड़िया रोड से भी आ रहा हूँ, ठीक है। हमारा केवल ये 55 गैस कनेक्शन, तो ऐसा ये विकास का कार्य यहाँ पर हो रहा है, धरातल पर काम हो रहा है। और निश्चित ही हमारी जो लोगों ने जो अभी चर्चा का विषय बनाया कि क्या किया, क्या विकास किया, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनके लिए थोड़ा धरातल से जुड़े तो उन्हें शायद ही पता चलेगा, वो अभी धरातल से नहीं जुड़े, हवा में अभी भी उड़ रहे हैं, रस्सी जल गई है, अभी ऐठ नहीं गई है, ये उनके है। गाँव से, गरीब से, किसान से जुड़े होते तो शायद उनको ये बातें पता चलती हैं। एक उन्होंने गन्ने के पेमेंट के बारे में भी बोला, गन्ने का पेमेंट नहीं दिया, वो जरा अपने पिछले कार्यकाल का तो गौर करें, 2015 का मैंने ये पिछले साल नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए, बरेली के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए,
मैंने उनसे सुबह को जब वार्तालाप हुआ तो मैंने उनसे पूछ रहे थे यार विधानसभा भाई बताओ कोई समस्या, तो मैंने यहाँ का रखा था गन्ने का पेमेंट तो दिलवाओ। कब का है? 2 साल पहले का, 2015 का, 2 साल पुराना पेमेंट। 1 सप्ताह में तुरंत जैसे ही मुख्यमंत्री को बताया वैसे 1 सप्ताह के भीतर सब पेमेंट वेमेंट का सब काम हो गया। मैंने इनकी समस्या ही बताई, मैंने कहा बिजली का पैसा हमारी सरकार पर बकाया है।